राम की जय। और भाई सत्य की नैया कदे ना डूबे, वो नाव नहीं डूबती जो सच्चाई पर चलती है। वो परिवार हमेशा तरक्की करता है, जो एक साथ रहता है वो परिवार हमेशा आगे जाता है, उसके बच्चे हमेशा तरक्की करते हैं जो माँ बापों की सेवा करते हैं। तो लिखा हो सत्य की नैया कदे ना डूबे, कोई खेने वाला चाहिए रे, और कौन कहे ये बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। भाई सत की नैया कदे ना डूबे, सत की नैया कदे ना डूबे, खेने वाला चाहिए रे, और कौन कहे ये बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। कोई लेने वाला चाहिए, लेने वालों का हाथ हमेशा ऐसे होता है, लेकिन ऐसे हाथ करने के लिए खुराजी नहीं है। अब तो ऐसे तो कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जमाना बदल गया। तो लिखा भी है देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, चांद ना बदला सूरज ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कौन कहे गुलशन नहीं खिलता, कौन कहे गुलशन नहीं खिलता, सच्चा माली चाहिए रे, और कौन कहे अन पैदा ना हो, सच्चा हाली चाहिए रे, कोई सच्चा हाली चाहिए रे, कोई सच्चा हाली चाहिए रे। कौन कहे सुख मिलता ना, कौन कहे सुख मिलता ना, दुख सहने वाला चाहिए रे, और कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। ओ नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाए को, प्रेम को रोग लगाए को, मेरी श्याम समाए को, मोहे प्रेम करो बुलाओ। कौन कहे भगवान नहीं, कौन कहे भगवान नहीं, कोई मानने वाला चाहिए रे, और कौन कहे मन चाहिए ना हो, ठाने वाला चाहिए रे, कोई ठाने वाला चाहिए रे, कोई ठाने वाला चाहिए रे। कौन कहे सच नहीं जगत में, कौन कहे सच नहीं जगत में, कहने वाला चाहिए रे, और कौन कहे ये बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। बड़े सुंदर सुंदर शब्द इस भजन में हैं जो लोग सुन रहे हैं। कौन कहे सच नहीं जगत में, कोई कहने वाला चाहिए, लेकिन आज अब सच्चाई किसी से कहे कि देखिए एक मिनट के अंदर लड़ाई हो जाएगी, सच कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कहने वाले भी नहीं रहे। आज जमाना बदल गया है, आज कोई किसी का नहीं रहा
मतलब की यारी रिश्तेदारी सब कुछ मतलब का हो गया। तो ये भी लिखा है, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, यह कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कौन कहे जिंदगी भारी, कौन कहे जिंदगी भारी, कोई जीने वाला चाहिए रे, और कौन कहे विष कड़वा हो कोई पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे, कोई पीने वाला चाहिए रे, कौन कहे भवसागर गहरा, कौन कहे भवसागर गहरा तैरने वाला चाहिए रे, और कौन कहे पापा ना दे कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। ओ बंसी की ठेर सुनूंगी रे सांवरिया में तो, हे बंसी की ठेर सुनूंगी रे सांवरिया में तो, ओ जोगन का भेस धरूंगी रे सांवरिया में तो, हो बंसी की ठेर सुनूंगी रे सांवरिया में तो, जब रे सांवरिया तो है भूख लगेगी रे, जब रे सांवरिया तो है भूख लगेगी रे, ओ माखन और मिश्री बनूंगी रे सांवरिया में तो, बंसी की ठेर सुनूंगी रे सांवरिया में तो। मेरे आदरणीय धर्मवीर जी भराना से, और सौ रुपये चाँद भाई जी, सौ रुपये पप्पन जी, सौ आपके 300 हो गए, 200 को दोबारा बुलवा लेना, 500 पूरे। तो मैंने पहले ही कहा था कौन कहे बाबा नंदी को लेने वाले चाहिए, तो हम तो लेने के लिए खड़े थे। ये भजन ही ऐसा कितना ही दे दो मैं उल्टे देता ही ना। बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर हम सच्चे दिल से, अच्छे मन से, अच्छी नियत से किसी के लिए सब कुछ अर्पण करते हैं तो हमारे भंडारे भरता है, चाहे बाबा मोहन राम है, माता रानी है। जिंदगी कभी भारी नहीं होती है, कोई जीने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की उम्र आती है 80 साल 70 साल तो चाबी मकान की, दुकान की, तिजोरी की बच्चों के हाथ में चली जाती है। अब ये तो आप मानेंगे कि अगर जिसके हाथ में चाबी चली गई वो मालिक हो गया। जो मकान राजेश भाई हमर तुम आज बना रहे हैं लगन से मेहनत करके, एक दिन हमारी खाट इससे बाहर आनी है, फिर हमारे बेडरूमों पे बच्चों का कब्जा हो जाएगा, फिर ये कहेंगे तुमने क्या करा था, हमने इतना करा, ये तो सब करते हैं अपनी औलाद के लिए, तुमने क्या करा। तब 70-80 साल की उम्र हो गई, बीमारी ने इंसान को जकड़ लिया, क्योंकि दुनिया में सारे फल पककर मीठे हो जाते हैं लेकिन ये इंसान पककर बड़ा कड़वा हो जाता है, बुढ़ापा सबसे कड़वा फल है। तब इंसान सोचता है कि भगवान हमारी मिट्टी सुंघा ले, लेकिन नहीं, क्योंकि ये भजन मैंने लिखा है, दो चीजें हमेशा अपने पास रखनी है, एक तो जो कमाओ जवानी में थोड़ा अपने पास जरूर रखो, क्योंकि कम से कम आज का जमाना लालच का है, लालच से दो रोटी तो बच्चे देंगे, और एक पतिव्रता नारी, जिसके घर में पतिव्रता नारी ना कंगाली ना बीमारी, लेकिन पतिव्रता ही रहे कहां गए। सुबह उठते ही सबसे पहले दूध में पत्ती मार के चाय मिल जाएगी, हमने दो चार बिस्कुट बिस्कुट खा के फिट भाई साहब उठेंगे 8 बजे, चाय है हाँ है, थोड़ा सा दूध उसमें पानी गिर के दे दी, लो पी लो।
वो भी मिली मिली ना मिली। उसके बाद खाने का नंबर आया, सुबह 8-9 बजे बढ़िया सी दही सर मार के 4-5 रोटी, नींद आ गई। भाई साहब आए ऑफिस में, जब खाना ना बनाया, मेरी तबीयत खराब है आजकल, खड़ा नहीं होया जा रहा, पता नहीं पैर कट रहे हैं, पैरों में पता नहीं क्या हो गया। एक आंख से देख लेगी, चलो बाहर खा लूंगा चावल पावल। अरे वाह, पतिव्रता है नारी, नारी में इतनी शक्ति है कि यमराज को वापस फेर देती है, नारी में इतनी शक्ति है कि भूमंडल को घुमा देती है। और ये नारी है जिसके सामने हम लोग बैठे हैं, ये माँ जो है, जिसके पास पतिव्रता नारी ना कंगाली ना बीमारी। आइए चौथी गली में क्या लिखा, क्या बताया, गौतम भाटी गुरु की सेवा, गौतम भाटी गुरु की सेवा, ठाणे वाला चाहिए रे, और कौन कहे ये पब्लिक नहीं सुनती, गाने वाला चाहिए रे कोई, गाने वाला चाहिए रे कोई, गाने वाला चाहिए रे। चेला नुगरे सभी ना होते, चेला नुगरे सभी ना होते, ज्ञान कोई देने वाला चाहिए रे, और कौन कहे बाबा ना दे कोई, देने वाला चाहिए रे कोई, देने वाला चाहिए रे कोई, देने वाला चाहिए रे। अब कहिए सच्चे दरबार के, बाबा मोहन राम की